दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद शुक्ला। इमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस है उसका जो यूनिट 7 जो है आपका कृषि उत्पाद जो तकनीकी चैप्टर है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और डिस्कस करूंगा। आने वाली जो एमबीपीएससी की जो प्रिलिमिनरी के जो एग्जाम्स हैं जो 25 तारीख को, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही निर्णायक होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही सरल तरीके से, सिंपल वे में इसको हम कवर करेंगे, तो आप इस पर फोकस करिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो जो चीज़ें मैं कवर करूंगा तो आपके क्वेश्चन कोई छूटने नहीं पाएंगे, आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को हमने अलग अलग भागों में मैंने इसको विभाजित किया है। जो फर्स्ट लेक्चर में जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपको, मैं यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ। तो पहला जो पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री पोर्शन जो है इसका एग्रीकल्चर का, उस पर हम बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो हिस्ट्री है इस पर बात करूंगा मैं। दूसरा इस पर हम बात करेंगे कृषि पे कौन से अनुसंधान केंद्र भारत में बनाए गए हैं और किस प्रकार की कृषि की शिक्षा का पैटर्न भारत में है उस पर हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर एजुकेशन कैसा भारत में है, एग्रीकल्चर एजुकेशन पे हम बात करेंगे। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्रांतियां, रेवोल्यूशंस खेती को बढ़ाने के लिए की गई थी उस पर हम बात करेंगे। तो ये आप रेवोल्यूशंस जो हैं, क्रांतियां जो खेती के लिए हुई हैं अलग अलग, उस पर बात करेंगे। चौथा जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन, मध्य प्रदेश में कौन कौन से बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके हम नाम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन जो है इसमें। और पचमा जो हम बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे किस कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम, खेती की पद्धतियां पूरे भारत में चल रही हैं उस पे हम बात करेंगे, फार्मिंग सिस्टम्स पे हम बात करेंगे। ये पूरे जो पांच चीज टॉपिक है उसको हम अब कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हमारे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे यदि हमारे हैं भारत के, यदि कृषि के अनुसंधान पे हम बात करें तो अलग अलग समय में जब से लोग व्यक्ति जंगल से व्यक्ति जब आया जीवन में आया साधारण जीवन में, तो खेती की शुरुआत तभी से हो गई थी। तो किसने खेती की शुरुआत की एग्जैक्ट या कुछ चीज़ अभी पता नहीं है, अनादिकाल से खेती चल रही क्योंकि वेदों में भी इसका वर्णन है। लेकिन सही मायने में भारत में एक्चुअल जो रिसर्च वर्क था, एक हुए थे सुरपला, एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए हैं सुरपला उनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक जो कृषि के लिए किताब लिखी थी उसको हम बोलते हैं वृक्षायुर्वेद। आप इसको नोट कर लीजिए, वृक्षायुर्वेद। जो सुरपला ने वृक्षायुर्वेद किताब लिखी थी, इसमें किस प्रकार से खेती की जाए, फसलों में कैसे कैसे रोग लगते हैं, उद्यानिकी फसलें जो होती हैं, फलदार फसलें होती हैं, उनको किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, उनमें रोग कैसे आए हैं और उनको हमें ट्रीट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं वृक्षायुर्वेद में। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस किताब को पढ़ा नहीं गया ज़्यादा मात्रा में। लेकिन करंट रिसर्च में दोबारा जब रिसर्च होने शुरू हो गए हैं तो इन किताबों के नाम अक्सर पूछ दिया करता है। तो वृक्षायुर्वेद के लेखक कौन है, वो सुरपला जो है इसके लेखक हैं। इसके बाद कई लोग अलग अलग इस फील्ड में काम किए हैं, ऐसे ही एक बहुत पुरानी बुक है खेती के लिए जिसका नाम है कृषि पराशर, कृषि पराशर। कृषि पराशर जो है ये भी बहुत पुरानी किताब है जिसको पराशर ने लिखा था, ये भी खेती संबंधित किताब है, एस्ट्रोलॉजिकल वे में लिखी गई है। लेकिन ज़्यादा साइंटिफिक जो बुक मानी जाती है वो वृक्षायुर्वेद को माना जाता है। इसके बाद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अल्बर्ट हार्वर्ड, एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट हार्वर्ड। एक है अल्बर्ट हार्वर्ड, अल्बर्ट हार्वर्ड, आप नोट कर लीजिए इसको। अल्बर्ट हार्वर्ड ने एक किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट, एन एग्रीकल्चरल
टेस्टामेंट। आप नोट कर लीजिए, किताब है एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। ये किताब अल्बर्ट हावर्ड ने लिखी थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि साइंटिफिक वे में, एक रिसर्च पेपर के वे में, सॉइल किस प्रकार की है, कौन सी सॉइल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी को, उत्पादकता को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, ये डिस्कशन अल्बर्ट हावर्ड ने एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट में की थी। ये इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि जो अल्बर्ट हावर्ड थे ये ब्रिटेन से भारत भेजे गए थे, तो इन्होंने वर्तमान में जो इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज है वहीं आकर के इन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया था। और आयुर्वेद, इसके आयुर्वेद तो है ही, साथ में ये जो आपका आयुर्वेद की तो लिए तो वृक्षायुर्वेद हो गई, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे अथेंटिक जो बुक मानी जाती है वो अल्बर्ट हावर्ड की ही किताब है, एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट है। तो जैविक खेती के पितामह भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आप नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो ये पूछता है, कई एग्जाम में पूछा भी है, नेट के एग्जाम में भी, पीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, अल्बर्ट हावर्ड जो थे एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट पूछ सकता है, या ऐसे ही पूछ सकता है ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं, फॉरनर हैं जो मध्य प्रदेश में आके अपना रिसर्च वर्क किए थे, तो वो आपके हैं अल्बर्ट हावर्ड हो गए। ये चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए। ये बेसिक था हमारा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई जो भारत में किस प्रकार से चल रही है, एग्रीकल्चर एजुकेशन जो चल रहा है, अब जो एग्रीकल्चर एजुकेशन की हम बात करते हैं, भारत में जो कृषि की शिक्षा हो रही है वो किस प्रकार से है, एग्रीकल्चर एजुकेशन और कृषि पे रिसर्च जो होते हैं, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन करने के लिए भारत में बना था ICAR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी पूसा बिहार में, पूसा बिहार एक जगह है, पूसा बिहार, यहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका नाम था। बाद में वहाँ भूकंप बाढ़ आने के कारण ये रिसर्च सेंटर दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था, जिसके कारण जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसी को ICAR इंडियन, अब इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है, और भारत में कृषि की शिक्षा के लिए यही जिम्मेदार है, ICAR ही पूरी एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को कंट्रोल करता है। तो एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो बॉडी बनाई गई है, किस प्रकार से ये शिक्षा देती है, तो ये चार प्रकार के रिसर्च करता है। इसके पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना, कृषि विश्वविद्यालय खोलना भी इसका काम है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर राज्य में खोलना, किस प्रकार से खोलेगा ये इसकी जिम्मेदारी है। दूसरे इसके पास क्या होते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर इसके होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर क्रॉप के नेशनल रिसर्च सेंटर इसके होते हैं, आप RS में लिख रहे हैं नेशनल रिसर्च सेंटर इसमें होते हैं, और साथ में ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनती है हर राज्य, भारत में कुछ ही जगहों पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो बनाई गई हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये इस प्रकार से ये शिक्षा की कार्य भारत के विभिन्न भागों में वे करता है। तो हम विभिन्न अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय भारत में कब बने शॉर्ट में जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम बात करेंगे भारत की जो सबसे पुरानी कृषि विश्वविद्यालय, सबसे पहले जो भारत में बनी थी उसका क्या नाम था, ये प्रश्न पूछता है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये पंतनगर में, भारत के सबसे पुराने कृषि विश्वविद्यालय पूछता है तो कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये लगभग 1960 के आसपास ये शुरू की गई थी, ये 1962 भी लोग बताते, लेकिन 1960 के आसपास ये शुरू, भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय ये है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे पुराने विश्वविद्यालय है वो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, JNKVV जबलपुर, इसी को JNKVV जबलपुर बोलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पहली विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, वो है JNKVV जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरी जो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, उसका नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया
विश्वविद्यालय ग्वालियर। इस प्रकार से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में इस्टैब्लिश की गई थी। तो दो विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, जेएनके वीवी जबलपुर, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये दो विश्वविद्यालय हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च सेंटर की। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के कृषि अनुसंधान संस्थान है। तो पहला जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में है उसका नाम है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? इंदौर में है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंदौर में है। दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में है वो आपका है राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो है वो आपका इंदौर में है, और जो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान इसी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीड रिसर्च भी बोलते हैं, जो जबलपुर में लोकेटेड है। इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आप चूकिए मत, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेक्चर का आप ले सकते हैं इसको, तो आपको दिख जाएगा। ये आपका हो गया कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान की ये बातें हो गई। इसके बाद हम मोटी मोटे तरीके से जान लेते हैं भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैं जो जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला यदि हम बात करें जो एक है आपका यहाँ राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो धान का चावल का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है? गेहूं अनुसंधान संस्थान जो आपका है राष्ट्रीय कहाँ? ये करनाल में है, हरियाणा में। ये आपका है राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। जो गन्ना का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है गन्ना का? वो आपका कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान पल्स का जो है दाल अनुसंधान संस्थान दाल के लिए कहाँ है? दाल का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं, ये आपका नागपुर में है। ये राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय तंबाकू, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इस प्रकार से मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा आपको, ये पूरे मैक्सिमम रिसर्च सेंटर है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से भारत में कृषि विश्वविद्यालय हर राज्य में खोले गए हैं, तो ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं जो मैंने बता दिया। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी और किस लिए? एग्रीकल्चर लोकल एरिया पे हर राज्य में अनुसंधान करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय का पैटर्न भारत में आया था, जिसको लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी पैटर्न भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से कृषि के अनुसंधान संस्थान भारत में खोले गए। अब हम बात करेंगे भारत में कृषि का जब विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि बंगाल का अकाल भी पड़ा था, देश में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, उसके लिए ले करके भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन को माना जाता है, मोसा नंबू सदाशिवन स्वामीनाथन इनका माना जाता है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति जब भारत में आई इसके बाद अलग अलग क्रांतियाँ भारत में शुरू हुई। तो जो भारत में एक है हरित क्रांति, जो हरित क्रांति आई थी किसके लिए आई थी? फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए।
बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद भारत में कौन सी क्रांति है, इसके बाद नीली क्रांति आई, जिसको ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं, नीली क्रांति। नीली जो क्रांति आई थी वो किस लिए आई थी, वो आई थी मछलियों के, फिश से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं मछलियों के, उसके लिए आई थी, फिश से रिलेटेड आई थी। इसके बाद आती है लाल क्रांति आती है, लाल क्रांति आती है। जो लाल क्रांति थी वो टमाटर के उत्पादन, टमाटर के उत्पादन और मांस के उत्पादन के लिए, मांस के लिए आई थी। इसके बाद आती है पीली क्रांति। जो पीली क्रांति है ये आई थी तिलहन के लिए, तिलहन सरसों इनके लिए आई थी, उत्पादन के लिए आई थी। इसके बाद आती है ब्लैक रिवॉल्यूशन जो थी ये आई थी पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम के लिए। तो ये हो गई आपकी क्रांतियों के बारे में ज्यादातर आ गई। एक थी राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन जो थी, गोल क्रांति जो थी, ये थी आलू के उत्पादन के लिए। इसके बाद एक आई थी स्वीट रिवॉल्यूशन, जो मीठी क्रांति थी ये थी शहद के उत्पादन के लिए, शहद के उत्पादन। इसके बाद आई थी गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन जो गोल्डन रिवॉल्यूशन थी ये उद्यान की फसलों, फलों के उत्पादन के लिए, ये उद्यान की फसलों के लिए आई थी, खासकर फल के लिए। इस प्रकार से अलग अलग फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग क्रांति लाई गई थी। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, वो अक्सर पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन थे, जो हरित क्रांति थी इसके जनक कौन थे, हरित क्रांति के मैंने बता भी दिया है, हरित के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, एम एस मोसानोबू सदाशिव स्वामीनाथन इनका नाम था, एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति जो थी, जो दूध के लिए थी, श्वेत क्रांति जो थी इसके लिए, श्वेत क्रांति जो थी मिल्क प्रोडक्शन के लिए हुआ था, इसके जो जनक थे उनका नाम था वर्गीश कुरियन। इस प्रकार से भारत में ये जो क्रांति होती, ये दो इसके जनक मैंने बताया जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग क्रांतियों के जनक अलग अलग लोग हैं, उसमें कुछ क्रांति इसमें छूट भी गई हैं, उनको आप चैप्टर में देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है। ये आपकी हो गई अलग अलग जो क्रांतियां भारत में हुई थी। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे आपसे अलग अलग भारत में कौन कौन सी फार्मिंग सिस्टम भारत में चल रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे आपको, पहला जो फार्मिंग सिस्टम भारत में चलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपनी जो सॉइल है, हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, पानी है, उनका संरक्षण करते हुए हम ऐसी खेती की पद्धति विकसित करें जिसमें हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल सेफ रहे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में अलग अलग समय में अलग अलग कार्य हुए हैं। भारत की ज़्यादातर पहले की जो खेती भारत थी वो एक प्रकार से ना चाहते हुए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, क्योंकि संसाधन उनके पास कोई केमिकल अलग से था नहीं, जैविक तरीकों से ही जो खुद के खेत के प्रोडक्ट हैं उसको यूज करके खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती थी पर्यावरण को ध्यान में देकर के। दूसरी जो फार्मिंग अपने यहाँ चलती है उसको हम बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये ज़्यादातर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में चलती है। इस पे डॉक्टर जो सुभाष पालेकर जी हैं इन्होंने काफ़ी काम किया। जीरो बजट का यहाँ मतलब ये मत समझिएगा कि हमें एक रुपए नहीं लगना है,
जीरो बजट का मतलब वो नहीं, जीरो बजट का मतलब है आपका जो भी खेत है उसकी सॉइल की टाइप कैसी है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसे है, पर्यावरण क्या है, और इसमें जो भी संसाधन हमें खेती में लगेंगे वो हमारे खुद का फार्म प्रोडक्ट होना चाहिए। चाहे गोबर लगेगा, गौमूत्र लगेगा, उसमें हमें गुड़ लगता है तो हमारे खेत में गन्ना भी होना चाहिए, यदि हमें नीम की जरूरत है तो नीम भी हमारे पास होना चाहिए, सीताफल की पत्तियाँ, सीताफल की पत्तियाँ हमें चाहिए। जितने प्रकार से हम कीटनाशक बनाते हैं, पंचगव्य बनाते हैं कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, जो चीज़ें हम बनाते हैं वो सारा हमारा फार्म का होना चाहिए। यदि हमारे फार्म में सारी चीज़ें हैं तभी हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर पाएंगे। सुभाष पालेकर जी इसके जनक माने जाते हैं और भारत में बहुत पहले से इस पे काम भी हो रहा था, क्योंकि वृक्षायुर्वेद जो मैंने बताया है ज़्यादातर मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या इकोलॉजी से रिलेटेड फार्मिंग है, वो ज़्यादातर वृक्षायुर्वेद से ही लिए गए हैं। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन जब मैं पुराने रिसर्च पेपर और इस पे बुक्स जो हमने पढ़ा तो हमने यही चीज़ पाया। तीसरी जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इसमें है, रैंचिंग बोलते हैं। रैंचिंग फार्मिंग का मतलब होता है कि ज़्यादातर इसमें हम खेती में भेड़ बकरियां ज़्यादातर यही लेकर के अपना गुजारा हम करते हैं। लद्दाख का जो रीजन है और अपर हिमाचल का जो एरिया है, चंबा वगैरह का एरिया हो गया, या हिमाचल का पांगी एरिया हो गया, किन्नौर के और ऊपर के एरिया हो गया हिमाचल का, इस एरिया में ज़्यादातर यही प्रथा लगभग चालू है। यहाँ कश्मीर के भी अनंतनाग, बारामूला, कुछ एरिया जो उधर का अपर का है वहाँ कश्मीर के इलाके में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, रेंचिंग का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आते हैं आपके, आते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहां बहुत अच्छे से हमें समझना है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह करने के लिए, केवल अपना गुजारा चलाने के लिए जब हम खेती करते हैं उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। बहुत ही सरल है, इसको आप समझ सकते हैं। तो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो हम खेती करते हैं वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न इलाका है या छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ज़्यादातर लोग अपना गुजारा करने के लिए खेती करते हैं, कोई अलग से लाभ उठाने के लिए नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी। इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आते हैं। ये बहुत अच्छा टर्म है और जो किसान बिल आया हुआ है इस बार इस पे ये बातें भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम समझ लेते हैं होता क्या है। इसके लिए मैं रिसर्च वर्क भी इसमें किया था, काम भी किया था। तो क्या पंजाब जो इलाका है, पंजाब में जो पेप्सिको कंपनी है, पेप्सिको के लेज और कुरकुरे आते हैं, तो उसके लिए आलू की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो पंजाब, गुजरात, इस एरिया में पेप्सिको क्या करती है, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारा दिया हुआ आलू जो हमारी वैरायटी है आप उसको लगाएंगे, हम जिस प्रकार से गाइडेंस देंगे उसी प्रकार से कब खाद डालना है, कब पानी देना है, निराई गुड़ाई रोगोइंग कब करनी है, हमारे हिसाब से ही आपको काम करना है। तो इसमें ये बात अच्छी रहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि हमारा जो भी उत्पादन होगा आलू का, मान लीजिए, तो कितने रुपये आप खरीदेंगे पहले से ही कागज़ में सिग्नेचर पूरे हो जाते हैं, लेटर में स्टाम्प बन जाता है, पूरा सिग्नेचर हो जाता है। तो जब आलू की फसल बाज़ार में आती तब आलू बहुत सस्ता रहता है, लेकिन उस टाइम हमने देखा है 2014-15 की बात मैं बता रहा हूँ, पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट की थी पंजाब में, तो लगभग 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो आलू खरीदी थी और मार्केट में वही आलू 2-3 रुपए किलो आलू बिक रहा था। तो ये बड़ी अच्छी सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन दोनों लोग पढ़े, ये जो किसान भी है वो तैयार होना चाहिए इसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसके बाद हम आते हैं, हम आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में आते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि हम खेती भी करते हैं उसके साथ साथ पशुपालन, अन्य कार्य, मछली पालन, ये सब चीज़ें भी हम साथ में करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे पास खेत की जो जोत है, हमारे पास खेत कम है, लेकिन हम अधिक से अधिक मात्रा में कई बार उसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे हमने गेहूं बोया, फिर वेजिटेबल्स हमने लगा लिया, तो खेत हमारा खाली न रहने पाए और अधिक से अधिक लेबर लग के हम अधिक से अधिक उसमें काम करें, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग
कॉर्पोरेट फार्मिंग में आते हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग मतलब होता है कि कई हजार एकड़ जमीन जो कंपनियां रहती हैं वो किसानों से ले लेती हैं, किसान उसमें जो चार्ज जमीन का रहता है वो दे देते हैं उसको, बाकी बड़े स्केल में मशीनरी का यूज़ करके जब कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी खेती करती हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग बोलते हैं। जैसे टाटा वगैरह के चाय के बागान हैं, इस प्रकार की जो खेती होती है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग में। शिफ्टिंग फार्मिंग का मतलब होता है, ये पुराने समय में बहुत अच्छी खेती की पद्धति थी और अभी हम जो देख रहे हैं कहीं कहीं लोग अभी भी करते हैं इसको। जैसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, मणिपुर मेघालय इस एरिया में आज भी कुछ आदिवासी ग्रुप करते हैं। क्या इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कोई एक फॉरेस्ट लैंड है वो अच्छा उपजाऊ है तो दूसरे जगह से लोग आ करके, मतलब उसी क्षेत्र के दूसरे जगह से आ करके वहाँ खेती करेंगे। जब तक उत्पादकता ज़मीन में है तब तक वो खेती करते हैं, इसके बाद उसको छोड़ करके वो फिर आगे निकल जाते हैं। ये होती है आपकी शिफ्टिंग फार्मिंग होती है। अब हम आते हैं आपके रिले क्रॉपिंग में आते हैं। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग में आते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि रिले क्रॉपिंग का मतलब शब्द से ही क्लियर है। रिले रेस जैसे होती है, मसाल लेकर के एक आदमी दौड़ रहा है, जैसे वो थक जाएगा तो दूसरे को वो मसाल दे देगा, वो दौड़ना शुरू कर देगा, इसके बाद वो तीसरे को दे देगा, इस प्रकार से वो मसाल लेकर दौड़ते रहते हैं। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हमने जो फसल जैसे लगा दिया, मान लीजिए हमने जैसे अपने मध्य प्रदेश में इसी रिले फार्मिंग को उतेरा फार्मिंग या पैरा फार्मिंग इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है जैसे हमने धान की फसल बोई हुई है, धान की फसल कटने के पहले ही उसमें हम अलसी के बीज फेंक देते हैं, तो जैसे उसकी फसल कटाई होने के पहले वो बीज पड़ जाएगा और धान की फसल की नमी को इस्तेमाल करके उसमें अंकुरण शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। इसी को पैरा क्रॉपिंग, इसी को उतेरा फार्मिंग भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कंटूर फार्मिंग में। कंटूर फार्मिंग में, कंटूर का मतलब होता है कि जब कोई पहाड़ी एरिया रहता है, जैसे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर होता है या मध्य प्रदेश में भी, जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, सीधी जिला हो गया, तो कुछ उसके जो कुसमी वाले बेल्ट हैं या जो पहाड़ी वाले बेल्ट हैं या रीवा जिला का हनुमना वाला कुछ बेल्ट है, वहाँ हम सीढ़ीनुमा आकृति में खेत बना करके जब हम खेती करते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार से ये लगभग आपके पूरे हो गए फार्मिंग सिस्टम जो मध्य प्रदेश में, भारत में या मध्य प्रदेश में चलते हैं। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे इसमें, अब हम बात करेंगे इस पे इम्पॉर्टेंट पर्सन। अब आप ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं और MPPSC में निश्चित पूछा जाएगा, मान के चलिए। तो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हुए हैं जिनका नाम है बाबूलाल दाहिया। आप लोग ध्यान से इनका नाम लिख लीजिए क्योंकि मुझे इनके साथ काफ़ी काम करने का मौका भी मिला, रिसर्च का मौका भी मिला। बाबूलाल जी दाहिया जो हैं, ये इनका जो कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया था। इन्होंने जितने भर हमारे ट्रेडिशनल इंडिजिनस जो स्वदेशी बीज थे, चाहे वो धान के हों, वो दलहनी फसलों के हों या औषधि फसलों के साथ में, इनके साथ एक और पर्सनालिटी रहे, उनका नाम है राम लोटन कुशवाहा। आप याद रख सकते हैं इसको, राम लोटन कुशवाहा। मोदी जी ने मन की बात में भी इनका नाम लिया था, राम लोटन कुशवाहा का। ये जितनी बार औषधियां हैं उनके संरक्षण के लिए भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन इनके पास औषधियों का है। तो बाबूलाल दाहिया जो थे, देसी स्वदेशी बीजों को कलेक्शन करने के लिए इनको 11 मार्च 2019 को इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। पद्मश्री भारत के चौथे सबसे बड़ा जो पुरस्कार जो होता है, पद्मश्री होता है, पद्मश्री से नवाजा गया था कृषि के क्षेत्र में, जैव विविधता के संरक्षण के लिए इनको माना जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, बाबूलाल जी दाहिया पद्मश्री के लिए इन्हें चयन किया गया था, इनका नाम 11 मार्च 2019 को। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। इसके बाद एक और मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ अनडिवाइडेड था तो एक और मध्य प्रदेश के बहुत फेमस पर्सनालिटी थे जिनका नाम था RH रिचार्या। आप नोट कर सकते हैं इनका नाम, RH रिचार्या। जो RH रिचार्या थे ये बहुत
ही जाने माने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में इनका नाम आता है, खासकर धान की पैडी से इनका नाम जुड़ा हुआ है, पैडी के लिए, पैडी के लिए, धान के लिए। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में थे पहले, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा धान का, राइस का सबसे बड़ा जर्म प्लाज्म है, देसी, जितनी देसी वेराइटीज़ हैं भारत की वो लगभग सब का संकलन कृषि इंदिरा गांधी आई के भी रायपुर में किया गया है, आई के भी रायपुर। तो आई के भी रायपुर में जितनी धान की वेराइटीज़ हैं उनका कलेक्शन का संकलन का कार्य आर एच आचार्य जी के ही नेतृत्व में हुआ था, और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, और इनके नाम पे ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इन्हीं के नाम पे है। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है आर एच आचार्य के ही नाम पे आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी देसी धानों के संकलन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, ये आप लिख लीजिए। 2019 में कृषि के लिए भारत भूषण त्यागी हुए हैं, भारत भूषण त्यागी। ये भी कृषि में बहुत अच्छा काम किए हैं, और जैविक खेती से रिलेटेड ही, और ये अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप उगाने की जो पद्धति है, बॉर्डर सिस्टम बना करके खेती के लिए, बाबूलाल दाहिया जी के साथ इनको भी, भारत भूषण त्यागी जी को भी, उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी पद्मश्री से इनको नवाजा गया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे हमने कवर किया है। हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं दोबारा एक बार मैं रिकॉल करा दूं। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल टर्म है, हिस्ट्री वाला पार्ट था, वो मैंने कवर कराया है, उसमें कौन सी बुक्स फेमस हुई हैं। इसके बाद भारत में कृषि का पैटर्न कैसा है, कृषि विश्वविद्यालय कैसे काम करते हैं, ICR कैसे बना, ये हमने बातें की हैं। थर्ड चैप्टर में हमने आपसे बातें की हैं फार्मिंग के सिस्टम कौन कौन से हैं, खेती कौन कौन सी पद्धतियाँ चल रही हैं, और चौथा चैप्टर जो इसमें था इंपॉर्टेंट पर्सन मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। ये यूनिट 7 में मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ये इसको आप समझिए, क्योंकि ये भूमिका इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी ये, तो फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में आपसे फिर मैं नई बातों को लेकर के आपके साथ आऊँगा, तब तक आप इसको रिकॉल करिए, और MPPSC बहुत नज़दीक है, 25 तारीख को है, तो आप इसको याद पूरा कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर आप इंतजार करिए, आपको नया लेक्चर मेरा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।